ये है बहुत ही पावरफुल, नीचे मिसाइल्स वगैरह रखे हुए इसमें। बट यार ये तो सच में खतरनाक है भाई, मतलब ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। प्लेन है ना वो मूवीज में ही देखा हूँ। भाई साहब ये मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो जी फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया था पालम में, और जस्ट बगल में म्यूजियम है, दिल्ली एयरफोर्स म्यूजियम। चलते हैं वहाँ पे और बहुत बताने वाले इस ब्लॉग में। तो चलिए, वायु सेना संग्रहालय या कुछ फ्रंट गेट है इसका, आप देख सकते हो। ये है एयरफोर्स म्यूजियम, तो अंदर जाएंगे हम लोग। ओ भाई साहब ये तो गजब का है यार, कमाल का एकदम। पेज और क्राफ्ट आप सामने देख रहे हो, ये है कैनबरा एयरक्राफ्ट, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर यूके का है। 1957 में ये जहाज ऑपरेट करता था। ये रहा इसका इंजन वाला सेक्शन, अभी सारा कुछ प्रोपेलर्स वगैरह निकाले हुए हैं, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है। अभी नीचे मिसाइल्स वगैरह रखे हुए हैं इसमें। तो वहाँ भी एक बहुत ही बड़ा टर्बो प्रॉप इंजन का एयरक्राफ्ट है। तो ये देखो आप विंग के मेन रोटर पे कितना बड़ा मोर है यहाँ पे। जो लास्ट में जो हमारा बच गया वो हैंगर कैरियर रह गया। मैं चलता हूँ अभी हैंगर के अंदर और दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो ये हमारे पीछे हैंगर है यहाँ का एयरफोर्स म्यूजियम का, और जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे देखो रनवे बनाए हुए। बस। जी हैंगर के अंदर आने के बाद एक अलग सा ही खुशी आ रहा है, बिकॉज मैं एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ और एक साथ इतने जहाज लाइफ में कभी नहीं देखा हूँ। मतलब मजा आ रहा है देख के यहाँ पे। चलो मैं और भी आपको दिखाता हूँ। हैंगर में एंट्री करते हैं, ये मिसाइल टाइप का कुछ यहाँ पे सिस्टम है, और ये है अपोलो लूनर मॉड्यूल। मुझे पता नहीं क्या है, जिन लोगों को पता है प्लीज कमेंट में बता देना आप। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो यहाँ से। ये मुझे कुछ बोनांजा A-35 की तरह लग रहा है। बोनांजा में भी सेम ऐसे ही पिस्टन इंजन और प्रोपेलर ऐसे ही रहता है, लैंडिंग गियर भी सेम ऐसे ही रहता है। ये है इंडियन एयरफोर्स का जहाज, कितना खतरनाक लग रहा है यार देख के। ये रहा इसका इंजन, कॉकपिट, विंग। ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, इनका स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ये दोनों का मॉडल सेम है, इसमें एक मिसाइल फिट किया हुआ है यहाँ पे देखो। यह है HL-HT-2 एयरक्राफ्ट, टर्बो प्रॉप इंजन है, पिस्टन इंजन। ये देख लो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसका विंग बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये देखो इसमें विंग टिप भी बना हुआ है छोटा सा, ये भी काफी खूबसूरत है। ये है पैरा सिविल प्रेंटिस, ये देख लो आप, ये इंजन है इसका पिस्टन इंजन। अब ये देखो ये भी कोई खतरनाक सा जहाज लग रहा है, ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। इसका विंग जो है ना ये सेमी कैंटिलीवर टाइप है, यानी कि जिसमें अटैचमेंट होता है वो है। लैंडिंग गियर इसका देख लो कितना बड़ा है, ये देख लो लैंडिंग गियर इसका बहुत बड़ा है। और ये रहा इसका टर्बो प्रॉप इंजन, ये अभी आई थिंक पिस्टन इंजन ही है, पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, मतलब बहुत बड़ा पिस्टन इंजन होगा इसमें। और ये है इसका कॉकपिट है यहाँ पे, देख लो वहाँ पे छोटा सा एक लैंडिंग गियर है, बाकी ये सब स्टेबलाइजर्स वगैरह हैं। जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे इंजन्स हैं, रोल्स रॉयस इंजन या जो भी अलग अलग तरह के इंजन है। देख लो ये कानपुर का एक जहाज वहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा। तो जिसका भी जो व्यू है ना ये भी काफी खूबसूरत है। इस टाइप का मैं जो प्लेन है ना वो मूवीज में ही देखा हूँ, रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। ये आई थिंक कनाडा का लग रहा है, इसका सिंबल कनाडा का ही है। सारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। ये है ओखा एयरक्राफ्ट, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ओखा। ये थंडरबोल्ट्स का है हॉकर, ये देख लो आप, इसमें मिसाइल भी कैरी हो सकता है, दो मिसाइलों से लैस है ये एयरक्राफ्ट। ये जो आप देख रहे हो ना मलवा, ये सुखोई एयरक्राफ्ट का टेल पोर्शन है। एक होता है नोज पोर्शन, एक होता है टेल पोर्शन, तो ये सुखोई का टेल पोर्शन है। ये देख लो आप किस तरह से अंदर से दिखता है ये पोर्शन, ये विंग है इसका। और ये जो आप देख रहे हो ये है सुखोई SU-7 पेटोट स्टैटिक ट्यूब है ये, और ये बहुत ही लंबा है, मतलब ये देखो वहाँ तक है इसका फ्यूजलास, और ये विंग एरिया है ये, और ये इंडियन एयरफोर्स का सिंबल है इधर। इधर भी मिसाइल्स रखे हुए हैं, वो कोई छोटे जहाज वहाँ पे रखा हुआ है ड्रोन टाइप का। ये है बहुत ही पावरफुल MiG-21 एयरक्राफ्ट, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जितना वीडियो में नहीं दिख रहा होगा उतना रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बाकी यहाँ से आपका जहाँ तक भी नज़र जाता है चारों तरफ एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। देखो तो इधर भी एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, ये मिसाइल है मिस्टीरियर MK-4A एयरक्राफ्ट। यहाँ पे एक से एक अच्छे से अच्छे, मतलब आप देख के आपको संतुष्टि होगा ऐसा एयरक्राफ्ट रखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, मे भी हो सकता है किसी भी युद्ध में पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे बॉर्डर पे आ गया हो तो वहीं जब्त हो गया। ये अभी बाहर भी बहुत ऐसा चीज है जो देखना बाकी है, थोड़ा चलते हैं वहाँ पे। ये देख लो ये है MiG-25, ये देख लो कितना शार्प होता है इसका। जो भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वो भाई साहब इसका ये वाला है इंजन कंपार्टमेंट, ये बहुत अलग है यार अदर एयरक्राफ्ट से, ये भी बहुत बड़ा है। भारतीय वायु सेना का विमान है। और जरा इसका आप लैंडिंग गियर देख लो, ऐसा लग रहा है ट्रक का टायर लगाया हुआ है, मतलब उससे भी हैवी। जी ये है राजदूत, इंडियन एयरफोर्स का जहाज है ये भी, खतरनाक। ये देख लो यार क्या ही बोले, इसमें चार
टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं। ये तो है अपना राजदूत, अपने फिल्मों वगैरह में ऐसे भी सुना होगा कि देख लो इंजन इसका कितना बड़ा है भाई साहब, देख लो आप। ये है पैकेट एयरक्राफ्ट, एक आई थिंक कूलर है ऊपर में, मतलब कितना बड़ा इंजन लगा हुआ है इसमें, आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा होगा ये। टर्बो प्रॉप इंजन लगा हुआ है इसमें, उधर एक छोटा सा एयरक्राफ्ट रखा हुआ है और इधर भी सारे छोटे छोटे जहाज रखे हुए हैं। बट यार ये तो सच में खतरनाक है भाई, मतलब इससे बड़ा जहाज यहाँ पे तो नहीं है, सबसे बड़ा अभी तक में यही दिखा मुझे। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ और हर जगह घूम लिया और आपको देखने के लिए मिला ही होगा। चलो भैया थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मैं आपको एयरक्राफ्ट भी दिखाया हूँ, मतलब यहाँ के जो खुशी होता है ना, आप एयरक्राफ्ट से जुड़े हो प्लस यहाँ पे इतना सारा एयरक्राफ्ट दिख रहे हो तो अलग ही खुशी होता है। तो बहुत खुश हूँ, आज का ये म्यूजियम घूम लिया और मज़ा आया बहुत। सर फिलहाल जो 5 बजे का टाइम था वो समाप्त हो चुका है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा भाई साहब तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से इंटरटेनिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाला हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि इस तरह से आपको ब्लॉग्स मैं देता रहूँ। सो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, इसी जगह के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत ही प्यारा जगह है सच में, आप यहाँ पे अगर आना चाहो तो आ सकते हो। सो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। यार ये दिखाना था, मैं आपको भूल ही गया था भाई, मैं जहाज के चक्कर में चला गया। ये देख लो यहाँ पे किंग का सिंबल बना हुआ है, ये देखो किंग का सिंबल है, ये LTD का कार। तो जी ये है फोर्ड सलून कार, ये बहुत ही VIP कार है और देखने से आपको लग भी रहा होगा। ये देखो फोर्ड सलून का जलवा है ये, ये देखो भाई साहब ये मिल जाना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लौंगे वाला लाउंज है, ये देखता हूँ कुछ खाने पीने को मिलता है तो मैं खाता हूँ यहाँ से। मैं आ गया हूँ यहाँ के जलपान गृह में यानी कि कैफेटेरिया में, और ये रहा मेरा ट्राईपॉड और ये है कुछ कैफेटेरिया का व्यू यहाँ से। चलो बैठा जाए, इस बाहर ही म्यूजियम है, उधर अभी बंद हो गया, शाम के 5 बज गया तो ये पूरा हैंगर था और अभी ये मेन गेट है यहाँ पे। सर म्यूजियम में तो बहुत मज़ा आ गया यहाँ पे, और फिलहाल भूख लग रहा था यार, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक सूप पी के मैं निकला था वहाँ से। तो फिलहाल मैं ऑर्डर किया था यहाँ पे छोले भटूरे और ये देखो छोले भटूरे भी आ चुका है। थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में।